वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं हूं ज़ाहरा नज़र, और ज़ाहरा के जहां में खुश आमदीद। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूं उन ख़वातीन और उन लड़कियों के लिए जो कि शॉपिंग को बहुत पसंद करती हैं। मीन्स के मेरे ख्याल में तो हर लड़की हो, हर बंदी हो, चाहे वो कम एज की है चाहे वो बड़ी एज की है, शॉपिंग तो एक पैशन होता है। मतलब कि शॉपिंग तो हमने करनी ही करनी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। मैंने तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, बिकॉज़ कुछ दिनों से कुछ वीडियोस में बताती आ रही हूँ कि मेरे घर में शादी है मेरी सिस्टर इन लॉ की, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ। आपको पता है जब घर में शादी हो, अपने ही घर के बंदे की बंदी की शादी हो, तो बंदा कितनी शॉपिंग करता है। क्योंकि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, उसके अलावा बहुत और कुछ होता है जो एंड टाइम पर भी हमारे माइंड से मतलब के निकल जाता है, और बिल्कुल एंड टाइम पे हमारे माइंड में आता है कि यार ये तो रह गया। सो, ये मेरे ख्याल में सबके साथ होता है, होता है ना? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। कुछ शॉपिंग मैंने पहले दिखाई थी, कुछ अब दिखा रही हूँ, एंड कुछ फाइनल वीडियो जो कि मैं शॉपिंग की बनाऊंगी उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो चलें अब बगैर ज़्यादा बकबक किए वीडियो करते हैं स्टार्ट, ताकि आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा ना लूँ। एंड हाँ, वीडियो को आपने एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना, बिकॉज वीडियो की जो जितनी भी मैंने शॉपिंग की है शायद आप लोगों के वो काम आए। और वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर कर लें, ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली फ्यूचर में वीडियो आप लोगों तक टाइम पे पहुंच सके। सो, वीडियो करते हैं। सो, यहाँ पे बहुत सारे शॉपर्स हैं जिनको मैंने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है? तो ये मैं एक एक करके आपको सब दिखाती जाऊँगी, और बहुत बहुत सारे मतलब के शॉपर्स हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी। ज्वेलरी मैं इस तरीके से दिखाऊंगी। ये डब्बा, तो ये जो बॉक्स है ये है, और ऑनलाइन मैंने ज्वेलरी परचेज की थी वहाँ का बॉक्स है, लेकिन इसमें मैंने ज्वेलरी जो ऐड की हुई है वो है और कहीं से मैंने ली, मतलब कि मैंने खुद जाकर परचेज की है कैंट से। सो, सबसे पहले ये छोटू से प्यारे से टॉप्स हैं अश्मीज़ा के, जो अश्मीज़ा ने अपनी वलीमे, अपनी पुप्पो के वलीमे की मैक्सी के साथ वेयर करने हैं। ढोलकी, ये स्टड्स हैं, ढोलकी स्टड्स बहुत बहुत खूबसूरत हैं, ये देखें आप लोग, चेक करें ये कैसे हैं, बहुत प्यारे स्टड्स हैं, ठीक है? तो ये हो गए अश्मीज़ा के स्टड्स, ठीक है? और दूसरे नंबर पे हो गई ये रिंग, ये बहुत प्यारी छन छन वाली आजकल जैसे चल रही है, तो ये रिंग जनाब मैंने वेयर कर ली, और ये मैं मेहंदी पे वेयर करूंगी। ये बहुत प्यारी रिंग है, ये देखें, तो कैसी लगी ये? अच्छा, ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये आप वैसे मेहंदी, बारात, वलीमा कहीं पर भी वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो है इसकी लुक है, तो इसको आप तीनों फंक्शंस पे वेयर कर सकते हो, ठीक है? ये भी मैंने जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, लेकिन मैंने खुद जाके ये खरीदी है। इसके बाद आ जाता है मैंने जी जो वलीमे पे ड्रेस वेयर करना है, वो अभी मेरा 4 तारीख को आएगा। उसके साथ ये जनाब हो गया मेरा सेट, बहुत खूबसूरत सेट है, ठीक है? अच्छा, ये मैं बताती चलूँ, ये मैंने खुद जाके परचेज नहीं किया, मैंने ऑनलाइन पेज से परचेज किया है, तो इसका पेज मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके इसको ज़रूर परचेज कीजिए। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके साथ जो एयरिंग्स हैं वो ये हैं, ये देखें, ये एयरिंग्स हैं इसके साथ, ये देखें, और इसके साथ बिंदिया भी है, लेकिन मैं वलीमे का फंक्शन होगा तो बिंदिया नहीं लगाऊंगी, ये देखें। तो ये एक कंप्लीट जो है ना, ये मेरा वलीमे का सेट हो गया, ठीक है? आपको पता है ज्वेलरी हमें साथ के साथ ले लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी जो है ना हमारा वो रह जाए तो वो जो है ना काम खराब होता है। तो
कि बहुत बड़ा चूड़ी बाजार है कैंट में, मुल्तान कैंट में। वहाँ से आपको हर तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, चाहे वो ब्राइडल्स की हैं, चाहे वो मीन्स के हम जिस तरह होते हैं, हम लोग इवेंट अटेंड करने जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है, चाहे कोई घर में छोटा सा फंक्शन भी है ना, वहाँ के लिए भी आपको चूड़ियाँ वहाँ से मिल जाएंगी। बहुत अमेजिंग चूड़ियों का कलेक्शन है। तो ये हमारी ब्राइड की चूड़ियाँ हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये देखें कैसी है, ये उसकी मेहंदी के लिए चूड़ियाँ हैं, ठीक है। ये उसने दो सेट बनवाए हैं, ये वो मेहंदी पे वेयर करेगी। ये देखें, कलर चेक करें आप लोग। आई होप कि आपको जिस तरह मुझे यहाँ पे अच्छा इसका जो कलर है वो नज़र आ रहा है, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, कैमरा सही से कैप्चर कर रहा होगा। ये देखें, ठीक है, ये दो सेट हो गए। और जो उसकी जो खैर से होगा, जो उसका बारात का दिन होगा, तो बारात की चूड़ियों का सेट, यार बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मतलब उसने खुद से बनवाया है, ठीक है। ये देखें कैसा है ना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। तो माशाल्लाह अल्लाह उसके नसीब करे, ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको अगेन पैक किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चूड़ी है। तो ये भी इसने ना दो सेट बनवाए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चूड़ियाँ हैं। तो ये हो गई जी ब्राइड की चूड़ियाँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो हम लोगों ने अपने लिए ली हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी कॉपर शेडेड मतलब मेटल की चूड़ियाँ हैं, तो ये मेरी हैं, ठीक है। तो ये मैं किसी भी फंक्शन पर वेयर कर सकती हूँ। अभी मैंने सोचा नहीं है कि इसको मैंने कहाँ पर वेयर करना है, अच्छी लगी तो मैंने ले ली। इसके बाद आ जाता है ये बहुत प्यारी मुझे बालियाँ लगी, मीन्स कि ये देखें इसकी आप लोग शेप चेक करो, चेप इसकी आप लोग शेप चेक करें। ये देखें यार, ये बहुत प्यारी है, मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना, मतलब मैंने ले ली। मैंने कहा कोई रिस्क नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, पैसा लग तो रहा है तो फिर क्यों ना हम अच्छा सा करके लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हो गई कि कुछ आइटम्स मैं मिक्स करके आइटम्स आपको दिखा रही हूँ। मैं ये नहीं कि पहले ज्वेलरी दिखाऊँ फिर चूड़ियाँ दिखाऊँ, मेरे हाथ में जो जो आ रहे हैं मैं वो दिखा रही हूँ। अब आ जाती है अश्मीज़ा की मेहंदी के ड्रेस की चूड़ियाँ। मैं आपको मेहंदी का ड्रेस जब प्रॉपर तरीके से उसका तैयार हो जाएगा तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊँगी। तो वो ये दो कलर्स में है उसका मेहंदी का ड्रेस, ठीक है। एक ये कलर है और एक ये कलर है। इसका जो है वो गरारा है, इसका जो है वो शॉर्ट पैटलम है। तो ये वो मेहंदी के ड्रेस के साथ उसकी चूड़ियाँ हो गई, ठीक है। बहुत प्यारी कम्बिनेशन, उसने खुद ये सेट बनवाया। आप देखें 10 साल की बच्ची ने ये खुद सेट बनवाया, क्योंकि वहाँ पे इतनी कलेक्शन थी ना उसकी चूड़ियों की कि हम कुछ भी उठा के सेट बना लें तो प्यारा ही लगना था। ये उसकी हो गई मेहंदी की चूड़ियाँ अश्मीज़ा की। अब मेहंदी का आ गया जी सेट, ये देखें, ये छोटू सा उसका सेट है, ठीक है। ये चोकर है, बहुत प्यारा, ये उसका जो है मेहंदी का वो सेट हो गया, ठीक है। और ये साथ हो गए इयररिंग्स छोटे छोटे, क्योंकि वो बच्ची है तो उस पर यही बहुत है, बहुत प्यारा लगेगा। इसके बाद बात करते हैं कि मेरे जो है वो बारात का ड्रेस और अश्मीज़ा का बारात का ड्रेस सेम टू सेम है। आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, चाहे बारात पे जब मैंने वेयर किया होगा तब दिखाऊं, चाहे उससे पहले मुझे टाइम मिला कि कौन कौन से ड्रेसेस हैं और कौन कौन से फंक्शंस के हैं, एक अलग से उसका जो है ना पूरा जो है ना वीडियो कैप्चर करूँगी। आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग घर में अगर कोई शादी वगैरह तो आप लोगों के वो डिज़ाइन काम आ सके। उसके साथ अश्मीज़ा ने ये सेट बनाया, ठीक है। पिस्ता और रेड कलर का जो है वो ड्रेस है, मेरा भी और अश्मीज़ा का सेम। तो ये जो है वो जो है उसने चूड़ियों का ये कम्बिनेशन बनाया, मेरी भी सेम टू सेम यही चूड़ियां हैं, यही सेट है। तो ये अश्मीज़ा और मेरी जो है ना ये सेम टू सेम हो गई बारात की। इसके बाद बात कर लेते हैं जनाब बहुत 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 प्यारी एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये भी ज्वेलरी है, ये भी हमने खुद जाके खरीदी है। अब अश्मीज़ा ने सोचा है कि मम्मा मैं मेहंदी पर या बारात पे झूमर पहनूंगी, तो ये है जी झूमर, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत झूमर है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। ये देखें, ये अश्मीज़ा का हो गया झूमर, ठीक है। चाहे वो मेहंदी पे पहन ले चाहे वो बारात पे, लेकिन मैंने सोचा मेहंदी पे जो है ना वो वही पहने, क्या कहते हैं उसको, बिंदिया पहने। बहुत प्यारी बिंदिया है उसके पास, वो मैं अभी लेकर नहीं आई ऊपर, नहीं तो वो भी दिखाती। और ये हो गया उसका बारात का सेट, ये हो गया चोकर, ठीक है। ये कुंदन में है, बहुत खूबसूरत है, ये देखें
बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ये जो झुमकियाँ हैं ना वो बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए ये छोटा सा सेट है, बल्कि मैं तो उसे बोलूंगी कि तुम ना मतलब कि ये जो है झूमर और ये वाला सेट इकट्ठा कॉम्बिनेशन बना के ना बारात पे पहनो, बहुत प्यारा लगेगा। आप लोगों के साथ जरूर वीडियो शेयर करूंगी जब वो रेडी होगी इंशाल्लाह। और वो कह रही है मामा मैंने पॉलर से तैयार होना है। अच्छा जी, अब मैं इसको कर लेती हूँ पैक, साथ साथ पैक करती जाऊँ बिकॉज ये ज्वेलरी है, कहीं ये खराब ना हो। अच्छा, ये अश्मीजा ने ना क्योंकि उसके बच्ची है तो झुमकियों का थोड़ा सा वेट है, तो मैंने उसको कहा अश्मीजा तुम साथ सहारे ले लो। ये उसने जनाब साथ सहारे लिए हैं। ये देखें, यहाँ झुमकी पहनी जाएगी तो यहाँ पे यूँ सहारे हो जाएंगे कि वो ना थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। ये सहारे हो गए, बहुत प्यारी ज्वेलरी, कैंट में आफत ज्वेलरी पड़ी है, बॉम ज्वेलरी पड़ी है, मतलब हर तरह की वरायटी। और एक ये ना अश्मीजा को रिंग पसंद आई, तो उसने एक ना ये रिंग। बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत साड़ी के साथ वेयर करने वाला चोकर, क्योंकि साड़ी के साथ हमें चोकर ही वेयर करना चाहिए, क्योंकि साड़ी का जो एक वो पल्लू होता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो सिर्फ हमारी इतनी सी नेक नज़र आती है तो हमें चोकर वेयर करना चाहिए। ये देखें, यस ये देखें, बहुत खूबसूरत चोकर है। ये देखें, ब्लैक कलर का बहुत हसीन चोकर। ये देखें, ये देखें, इसके साथ जो टॉप्स हैं इसके बिल्कुल स्टर्ट टाइप हैं, ये ऐसे ये पीछे से बने हुए हैं। और ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सेट है, इतना प्यारा है ना, जब साड़ी के साथ ये वेयर होगा ना कमाल 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 लगना है। अच्छा, इसके साथ जी रिंग भी थी, ये रिंग है इसकी, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये रिंग है, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे डायमंड का हो, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एक छोटे छोटे से प्यारे से टॉप से, ठीक है। ये जो ब्राइड है ना उसने अपने लिए लिए हैं, वो कह रही है कि ना मेरी ब्लैक साड़ी है तो मैं साड़ी के साथ जस्ट ये वेयर करूँगी, मतलब गले में गोल्ड की चेन भी हो सकती है। ये देखिए कितने प्यारे छोटे से फ्लावर बना हुआ, ये स्टार्ट है, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, अच्छा तो इसके बाद बात करते हैं कि एक और ज्वेलरी की जो कि अश्मीजा जैसी सेम है, बहुत खूबसूरत सहारों के साथ ये झुमकियाँ। ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये मेरी नंद ने खरीदी है, ठीक है। ये देखें, ये बहुत बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये कुंदन की झुमकियाँ और ये सहारे, ये बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनता है, ख़ास तौर पर बारात पे। अगर आप मेहंदी पर भी बना सकते हो तो बना लो, ये बहुत 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 प्यारा है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ जो कि कम पैसों में बड़ा धमाका मिला है। ये देखें, ये देखें कैसा झूमर है, कैसा झूमर है, ये इतना बड़ा झूमर जो है ना, ये मेरी नंद जो है वो कह रही थी मैं मेहंदी पे पहनूंगी, जो अनमैरिड मतलब के जिसकी शादी नहीं है वो वाली नंद, ठीक है। ये देखिए ये कितना प्यारा झूमर है, ये देखिए पूरा जो है ना सर ही कवर हो जाता है, और ये बहुत कम कीमत पे मिला है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसमें तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछे तो मैं उसको प्राइस ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। ये हो गया, अब इसके बाद ज्वेलरी मैं आप लोगों को सारी दिखा चुकी हूँ, कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं जो अभी रहते हैं, ठीक है, वो भी मेरे जब कंप्लीट होंगे एक पूरी ज्वेलरी पे मैं अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों के काम आ सके। तो अब मैं थोड़ा क्लॉथिंग स्टफ दिखाती हूँ। ये अश्मीजा ने एक नेट का जो है ना, जो उसका मेहंदी का ड्रेस है ना जिसपे वो ग्रीन कलर का ना मतलब कि वो पहन रही है पेपलम, डार्किश पिंक कलर का गरारा है, मैंने आपको उसकी ज्वेलरी भी दिखाई, तो उसके साथ उसने ये खरीदा है दुपट्टा, बहुत खूबसूरत नेट का, और ये गोटा लगा हुआ है, ठीक है, कनारी कनारी गोटा जिसको बोलते हैं, ये वो है। ये देखें ये दुपट्टा है, ये अश्मीजा ने ये बच्चियों के लिए, ये छोटा सा दुपट्टा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल साइज का ये अश्मीजा ने अपने लिए मेहंदी के लिए लिया है, ठीक है। इसके बाद एक ये वाला अश्मीजा ने बारात पे जो उसका जो ड्रेस है, जो बारात पे उसने ड्रेस पहनना है, उसके साथ ये अश्मीजा ने दुपट्टा लिया है, उसके नीचे ये टसल्स लगे हुए हैं, ये रेडीमेड दुपट्टे उसने लिए हैं, ठीक है।
ये भी कैंट से मिले हैं, ये थोड़ा मसूरी टाइप कपड़ा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है। और ये जो है ना ब्राइड का जी मैंने लिया है, मैंने कहा कि तुम जब निकाह के टाइम पे जब वो सिग्नेचर वगैरह करते हैं ना, जब कबूल है और वो सिग्नेचर करते हैं तो फिर जो दुपट्टा है ना वो पहनना चाहिए, तो वो कुछ ये वाला दुपट्टा, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है कबूल है कबूल है कबूल है, तो ये वो जी दुपट्टा हो गया। मैं सही तरह से इसको ये देखें तो मुझे ये दुपट्टा ना बड़ा अट्रैक्ट किया, मैंने उसको कहा यार ये ले ही लो, ये बड़ा अच्छा लगेगा तुम, मतलब अल्लाह खैर करे शादी तो ज़िंदगी में जस्ट वन टाइम ही होती है और अल्लाह उसी पे ही अच्छे नसीब करे और सब कुछ अच्छा ही हो, तो तुम ये ले लो ठीक है ना। ये जी मेरी कुछ शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों को शो कर दी, अभी कुछ आइटम्स नीचे पड़े हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, आप लोगों ने नहीं देखनी थी, तो ये वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है। क्यों वॉच करनी है? ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाए। वैसे मैं कोई इतनी फन्ने खान नहीं हूँ कि मुझे सारा पता है कि जनाब ये है तो ये है तो यूँ ये है, इन कपड़ों के साथ ये चलता है, इन कपड़ों के साथ ये चलता है, ऐसा भी नहीं होता। मुझे जितना खुद को कुछ पता है मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को वो आइडियाज़ देती रहूँ ताकि आप लोगों के वो काम आ सकें। और कुछ जो होती है ना, एक होता है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना, वो नहीं करना चाहिए। हमारा जो ड्रेस होता है उसमें से मेन कलर उठाकर उसका जो बेस कलर हो गया या कुछ ऐसा कलर जो कि थोड़ा नज़र ज़्यादा आ रहा हो, उस कलर की हमें ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए, दुपट्टा वेयर करना चाहिए, और शूज़ तो ऐसा होना चाहिए जिसका ऊपर वर्क हो। जो मुझे खुद को पता है या जो मैं खुद के लिए पसंद करती हूँ वो ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बैठ के बताती हूँ। और ये जनाब मेरी सारी शॉपिंग थी, आई होप कि आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों तक टाइम पर पहुँच सके। और बाकी आजकल कुछ बिजी डेज चल रहे हैं तो वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन मेरे से जब टाइम मिलता है मैं वीडियोस कैप्चर करके आप लोगों के लिए बना देती हूँ, बिकॉज आप मेरी फैमिली हो एंड मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करें और मेरे लिए दुआ करें। बाकी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।